व्यूवर्स दिस इज़ माई चैनल चैनल माइंड प्लॉइंग आज मैं जिस नावल को डिस्कस करने वाली हूँ वो है नावल द टेंथ मैन ये ग्रह ग्रीन की एक नावल है और इस नावल के जो कॉन्टेंट हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसका बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करेंगे फिर कैरेक्टर्स को समरी एंड एट द एंड हम इसके थीम्स अंडरस्टैंड करेंगे तो अब बैकग्राउंड में क्या है कि जो नावल है उसकी सेटिंग रखी गई है फ्रांस और जर्मनी की और दूसरी जंग अज़ीम के का टाइम बताया गया है इस नावल में कि जिसमें फ़्रांस के, जिस के मासूम लोगों को पकड़ के उनको कैदी बना दिया जाता है ताकि उनसे बदला लिया जाए अगर जर्म अगर फ्रांस के लोग या फिर फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा काम करती है जो जर्मनी के ख़िलाफ़ है तो उनसे बदला लिया जाएगा इन क़ैदियों से तो अब हम राइटर के बारे में थोड़े से देख लेते हैं राइटर का नाम है हेनरी ग्रहाम ग्रीन इसका फुल नेम है और ये एक इंग्लिश राइटर थे एक जर्नलिस्ट भी थे जो कि बहुत बड़ी इनको एक शख्सियत समझा जाता है नावल निगारी के तौर पे जो इसे ट्वेंटी सेंचुरी का सबसे बड़ा नावलिस समझा जाता है और इसके अलावा इसकी जो है पॉपुलैरिटी वो कैथोलिक नावल्स लिखने की वजह से ज़्यादा है अब हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं नोवेल का टाइटल जो है द टेंथ मैन है जो कि समरी सुनने के बाद क्वाइट जस्ट जस्टेबल आप लोगों को लगेगा आप लोगों को बिल्कुल रेलिवेंट लगेगा नोवेल से और इसके बाद है आउथर आउथर जो है वो है ग्राहम क्रीन ईयर ऑफ पब्लिकेशन है नाइनटीन एटी फाइव सेटिंग इसका फ्रांस है दूसरी जंग अजीम के ड्यूरेशन में ये वार फिक्शन है सस्पेंस है वार फिक्शन थ्रू आउट द नावल आप लोगों को जंग का एक समा दिखेगा जंग का एक असर दिखेगा इस नावल में और यहाँ पर हर हर मतलब स्टेप पे एक सस्पेंस है एक अननोन चीज़ है कि आगे क्या होगा किसी को नहीं पता होता तो अब हम इस नावल का uh, के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं जीन लॉइस चैवल जो है वो प्रकनिस्ट है नावल के और ये एक लॉयर हैं फ्रांस से पेरिस से और ये एलिट क्लास से बिलोंग करते हैं और अब क्या होता है कि ये अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी सारी जायदाद माल और दौलत सब कुछ बेच देते हैं किसी को आ, सब कुछ दे देते हैं तो ये एज अ टिमिट यहाँ पर इनको कंसीडर किया गया है अब फिर है जीन लॉयस शैलोट एक गाय होते हैं किस तरह के गाय होते हैं एक्चुअली ये जो है शेवल हैं लेकिन इसका जब वो कैद से रिहा होता है शेविल तो फिर वो अपना नाम अपनी आइडेंटिटी सब कुछ चेंज कर देता है और ख़ुद को शैलोट बताता है सब लोगों को तो ये शेविल ही है अब है रोज रोज जो है ना वो शेविल का बचपन का दोस्त है अब ये एक एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो चुका है इसकी एक हाथ काम नहीं करता ये ऐसा फार्मर वर्क कर रहा है अभी भी इनके विलेज में शेविल के विलेज में तो अब दूसरा कैरेक्टर है जैनवियर है जिसका असल नाम माइकल है ये एक क्लर्क है पेरिस से और ये यंग एज का बंदा होता है और ये ट्यूबर क्लसेस से सफ़र कर रहा होता है और ये शेवल की ऑफ़र कबूल करता है उसकी उसकी जायदाद वगैरह लेकर मरने के लिए तैयार हो जाता है मेयर जो है तो वो बहुत ही अलीट क्लास से बिलोंग करता है दूसरे प्रिजनर्स की तरह नहीं होता जो कि कमतर क्लास से आते हैं और ये बहुत मतलब डिसेंट बंदा कंसिडर होता है और मैडम मैं जो है वो जैनवियर की मदर है टेरिसा जनवियर की जैनवियर की आ, सिस्टर है फेयर जो है वो आ, वो जो है ना प्रिजनर है आ, एक फेयर जो है वो एक प्रिजनर है और आ, एक ड्राइवर है और ड्राइवर के तौर पे भी ये काम कर चुका है Uh, का में आने से पहले वॉइसन जो है ये वो पर्सन है जिसे एक क्रॉस्ड पेपर मिलता है मतलब कि ये मरने वालों में से एक होता है uh, मैंसोर uh, मे, क्रॉस मैंसोर क्रॉस जो होता है ये एक ऐसा बंदा होता है जो आता है और ख़ुद को बहरूपिया बना के आता है शेलोड का और फादर रूसी जो है वो पेरिश प्राइसड है यहाँ पर एक और आ, एल्डर क्लर्क भी आता है जिसका नाम ल्योरेट होता है और उसको भी एक क्रॉस्ड पेपर मिलता है तो इस कैरेक्टर को भी मेंशन करना है मेंशन यहाँ पर होना चाहिए था तो अब उसके बाद है समरी को डिस्कस करते हैं तो समरी जो है इस तरह से स्टार्ट होती है कि ये फ्रांस में फ्रांच पीपल आ, जो हैं कुछ को जर्मनी में मतलब कि वार चल रही है सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही है जो दूसरी बड़ी जंग है, अजीम चल रही है और यहाँ पर क्या होता है कि जर्मनी कुछ जर्मनी के ऑफिशियल्स आते हैं गार्ड्स आते हैं और वो अचानक से आकर कुछ फ्रांस के लोगों को पकड़ के ले जाते हैं और उन्हें क़ैदी बना लेते हैं इन कैदियों में से एक होता है लॉयर होता है एक वकील होता है फ़्रांस का जो कि बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है बहुत मशहूर वकील होता है और ये जो वकील होता है ये आ, चला जाता है क़ैद में लेकिन ये बाकी क़ैदियों की तरह आ, मतलब बहुत ही आ, न, कम दर्जे की हरकतें नहीं करता जैसे कि वो एक पेयर ऑफ एक दो जोड़ी आ, दो जोड़ी जूते के लिए शर्तें लगा कर गेम्स खेलते हैं या फिर इस तरह की हरकतें करते हैं तो ये अपनी उस आ, क्लास अपनी एलिट क्लास का ना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उनसे सेपरेट रहता है कम बोलता है और इस तरह की ये आ, करते रहते हैं काम ये कभी कभी बोल लेता है जैनवियर से जो कि यंग पर्सन होता है वो भी बहुत ही कम बोलता है तो अब क्या होता है कि एक एक रात इन सबको इन कैदियों को एक फ़ायरिंग की कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं शहर की साइड से तो सुबह में एक ऑफिशियल आता है जर्मन ऑफिशियल वो आकर इनकी प्रिजन में अनाउंसमेंट करता है कि तुम लोग तुम लोगों में से तीन लोगों को हमें कल मारना है और तुम लोग खुद से प्रिपेयर कर लोगे किस किस मरना है तो अब जैसे ही वो वो चला जाता है ऑफिशियली इनके बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है कि कैसे आ, किसको मतलब कि करना है मरना चाहिए कोई कहता है कि शादीशुदाओं को, शादी को, को मरना चाहिए कोई कहता है कि गैर शादीशुदाओं को मरना चाहिए कोई कहता है कि बूढ़ों को मरना चाहिए कोई कहता है कि जवानों को मरना चाहिए और इस तरह की बहस स्टार्ट हो जाती है तो ऐट द एंड ये डिसाइड होता है कि अब एक पीसेज ऑफ पेपर किए जाते हैं मतलब कि टुकड़े की बनाए जाते हैं पे, एक कागज़ के और उसमें से तीन पे क्रॉस लगाए जाते हैं क्रॉस की साइन और फिर उन्हें शफ़ल कर दिया जाता है जिसको वो क्रॉस के साइन मिले वो, वो कल मरने के लिए तैयार हो जाएंगे तो अब ये शफ़ल होते हैं सब एक एक उठाता है पीस ऑफ पेपर जिनको क्रॉस पेपर नहीं मिलता वो खुश हो जाते हैं और तीन को वो क्रॉस पेपर मिलता है एक को एक को मिलता है वॉइसन को वो चुपचाप चला जाता है साइड में और बैठ के मरने के लिए तैयार हो जाता है मेंटली और फिर एक एल्डरली क्लर्क होता है फ्रांस से उसको मिलता है लॉरियट को वो भी चला जाता है और बैठ के साइड पर आराम से बैठ जाता है और तीसरा पेपर जो होता है क्रॉस्ट वो शेलोट को मिलता है शेलोट जो होता है वो ऑलरेडी बुजदरी का इजहार कर रहा होता है वो सबसे एंड में जाकर पीस ऑफ पेपर उठाता है और कभी उन्हें कहता है कि ए से शुरू करो उठाने का सिलसिला कभी कहता है जी से शुरू करो और जब उसे क्रॉस्ड पेपर निकलता है उसका तो वो जमीन पर गिर जाता है और रोने लगता है बहुत ही मतलब बुजदली शो करता है और वो ये अनाउंस कर देता है कि जो कोई उसकी जगह पे कल मरेगा तो शैलोट शे, जो है वो अपनी सारी ज़मीन और जायदाद उसके उस बंदे के नाम कर देगा कोई भी ऑफ़र उसकी उठाने के लिए उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता बिकॉज कोई भी मरना नहीं चाहता है एक ऐसी दौलत के लिए जो कि वो इंजॉय भी ना कर पाए बट जनविर जो होता है, यंग, यंग मैन होता है वो मैन होता है तो वो ऑलरेडी ट्यूबर क्लोसेस से सफ़र कर रहा होता है और उसके लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता जो वो अपनी बहन और मदर के लिए कर सके तो वो ये करता है तो वो ये ऑफर जो है ना इसकी कबूल कर लेता है और अप मेयर की मौजूदगी में मेयर को वो गवाह बनाता है और इससे सब कुछ लिखवा लेता है शैलो शेबल से और अपनी बहन और माँ के नाम कर देता है तो कल सुबह को क्या होता है सात बजे गार्ड्स आते हैं जर्मन गार्ड्स और उन तीनों को ले जाते हैं और उनको शूट कर देते हैं अब कुछ साल गुजर जाते हैं कुछ साल नहीं चार साल गुजर जाते हैं उसके बाद इनको रिहाई मिल जाती है आ, श, आ, सारे के सारे प्रिजनर्स को अचानक से फ्रांस के लोग फ्रांस के ऑफिशियल्स आते हैं और उनको आज़ादी दिलवा देते हैं तो अब ये शेवल जो है आज़ाद होने के बाद इसे नहीं पता चल रहा होता कि ये कहाँ जाए इसके पास ना ज़मीन व जायदाद होती है ना वो रुतबा ना कुछ भी नहीं होता तो ये कुछ जॉब्स वग़ैरह में अप्लाई करता है टीचर के लिए अप्लाई करता है तो इसको ये एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि इसकी प्रनाशिएशन ठीक नहीं है फिर ये एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट uh, के लिए करता है अप्लाई तो वहाँ पर भी इसे नहीं रखा जाता तो ये भूखा प्यासा ऐसे ही घूम रहा होता है इधर उधर तो अब इसके दिल में ये ख्याल आता है कि क्यों ना एक बार जाकर ये अपने घर को ही देखा है तो ये घर जाता है तो वहाँ पर ये डोर के पास दरवाज़े के पास खड़ा ही होता है कि थ्रेसा जो है जैनवियर की सिस्टर वो दरवाज़ा खोलती है और उसे लगता है कि ये खाना मांगने वाला है गरीब है तो वो इसे अंदर ले जाती है और इसे खाना देती है ये खाना खाता है और उसे बताता है कि इसका नाम शेलोट है क्योंकि अब तक जो बातें जनविय जो बातें थ्रेसा और इसके बीच में हो चुकी होती हैं उससे ये अंदाज़ा लगा लेता है कि थ्रेसा जो है वो शेवल से नफरत करती है क्योंकि वो समझती है कि उसका भाई जो है जैनवियर वो शेवल की वजह से मरा और फिर जो है ये उसे शेलोट के नाम पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर वो इसे रख लेती है एज अ सर्वेंट अपने घर में और इसे कहती है कि ये उसकी मदर को ना बताए कि जैनवियर मर चुका है क्योंकि जो जैनवियर है मतलब कि माइकल वो उसकी मदर समझती है कि वो कहीं और चला गया है और उनके खाने उनके लिए सब कुछ वही पैसे वगैरह देता है कि जिसकी वजह से वो इतने बड़े घर में रह रहे हैं तो खैर अब वो उनके घर में एज ए सर्वेंट रहने लगता है उनकी सारी सफाइयाँ वगैरह करता है घर की खाना बनवाने में मदद करता है और उनके गार्डन वग़ैरह को सेट करता है और सब और बाज़ार वगैरह से चीज़ें ले आता है तो अब जो है कुछ दिनों के कुछ अरसे के बाद ये होता है कि कि एक बंदा आता है मतलब बहरूपिया आता है और वो ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो शे, शेवल है हालांकि उसका ओरिजिनल नाम केरोस होता है बट वो वहाँ पर ये बताता है थ्रेसा को कि वो शेवल है इससे पहले तो शेलोट जो होता है वो बहुत खुश होता है कि चलो थ्रेसा की जो नफरत है वो शेवल अब किसी और बहरूपिय पे उतरेगी उस पे नहीं उतरेगी और वो शेविल शैलोट जो होता है वो थ्रेसा से काफ़ी अटैच्ड भी हो जाता है उससे मोहब्बत हो जाती है उसे तो अब वो काफ़ी ठीक खुश हो जाता है कि शेवल के पर गुस्सा उतरेगा थ्रेसा का तो अब यह होता है कि वो क्रॉस जो होता है वो चीट करने लग जाता है शेलोट को और थ्रेसा की क्लोज होने लग जाता है वो थ्रेसा को बताता है कि जो उसका भाई है जेनवियो वो सुबह के रात के टाइम उसकी डेथ हुई थी हालांकि जो शैलोट होता है वो थ्रेसा को बताता है सच बताता है कि सुबह के सात बजे उसकी डेथ हुई थी तो यहाँ पर उसे थ्रेसा को लगता है कि शेलोट उसे चीट कर रहा है हालांकि चीट उसे क्रॉस कर रहा होता है मतलब कि बहरूप या का तो अब और उससे भी ज़्यादा मतलब कि जो क्रॉस होता है वो थ्रेसा से शादी करना चाहता है ताकि वो उसकी जायदाद उसके घर पे सारी चीज़ों चीज़ों पे कब्जा कर ले तो अब जो शेवल होता है मतलब शैलोट वो क्या करता है कि वो चाहता है कि वो थ्रेसा को बचा ले इन सारी चीज़ों से तो वो अब अचानक से कहता है उसको क्रॉस को मतलब कि शेवल के बहरूपये को कि मैं मैं अपने फ्रेंड को बुलाता हूँ वो आकर मतलब बता देगा कि कौन मतलब कि असल उसका शेवल है या नहीं या श, कौन असल शेवल है तो वो लाइट चलाता है और बाहर दरवाज़े की खड़ी कर देता है टॉर्च तो वो कहता है कि इस तरह से इस फॉर्म में वो अपने फ्रेंड को बचपन से लेकर बुलाता आ रहा है तो अब भी वो ये साइन देखेगा तो वो दौड़ता चला आएगा तो इस तरह से जो क्रॉस होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और उस पर फायर कर देता है फिर वो जो क्रॉस होता है वो छोड़ के थ्रेसा को भाग जाता है और जो शैलोट होता है उसे शूट कर देता है तो अब इस तरह से जो शेवल होता है मतलब ओरिजिनल शेवल शेलोट वो ख़ुद को सेव थ्रेसा को सेव कर लेता है और वो अपने उसकी जो पहली वाली टिमिट की टिमिटनेस की एक क्वालिटी थी वो अब उसकी उससे जान छुड़वा लेता है उसकी रिप्लेसमेंट कर लेता है उसका बदला पूरा कर लेता है अपनी ब्रेवनेस को शो करके कि वो थ्रेसा को बचा बचा लेता है अपने अपने मतलब कि जान का नजराना देकर अब हम इसके थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं जो पहला थीम हमें दिखता है वो वार का है कि ह्यूमन बीइंग को जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है जंग के ड्यूरेशन में किस तरह की डिप्रेशन से उनको गुजरना पड़ता है और बगैर किसी वजह के जो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं इंसान जो हैं वो दोनों साइड पर मरते हैं और इस तरह से जो वार है उसके ब्रेन इन्फ्लुस इंसानियत पर बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें इस नावल में भी दिख रहा है कि किस तरह से जो शेलोट है मतलब शेवल जो है वो किस तरह से परेशान होता है कि बस किसी भी तरफ जाए वार जर्मनी जीते या फ्रांस जीते बस वो आज़ाद हो जाए इस तरह की उसकी फीलिंग्स और डायलॉग्स होते हैं अब लॉस ऑफ आइडेंटिटी हमें इस नावल में मिलता है जब शेवल प्रिजन में जाता है तो वो शेवल होता है जब निकलता है तो उसे शेलोट बनना पड़ता है और यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं सेक्रीफाइस करना आ, करना सीख जाता है शेवल जब वो शेलोट बनता है पहले वो टिमिड होता है और जैनवियर कोन को, को मरवा देता है लेकिन वो थ्रेसा को बचा लेता है और ख़ुद को सेक्रीफाइस कर देता है उसके लिए और टाइम जो है वो भी नोवेल में हमें एज़ अ इम्पॉर्टेंट थीम लगता है क्योंकि टाइम जो है चार सालों में सब कुछ टाइम जो है वो चेंज कर देता है और इन्फ्लुएंस करता है सारी चीज़ों को उसके बाद है बिलोंगिंगनेस जो चीज़ें जिससे बिलोंग करती हैं वो उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है चेंजिंग हो जाती है पहले जो प्रॉपर्टी जो थिंग्स बिलोंग करती थी चैबल से अब वो बिलोंग करती हैं थ्रेसा से और उसकी मदर से और उसके अलावा चॉइस होती है हर बंदे के पास के मतलब चॉइस इस तरह से के जो पहले वो जो शेवल है वो चूज़ कर सकता था कि उसे वो मर सकता था और अपने आप को ब्रे प्रूफ कर सकता था बट वो चॉइस कर ये चूज़ करता है कि वो सारी चीज़ें दे दे और अपनी ज़िंदगी बचा ले तो उसके बाद है थीम ऑफ मटेरियल तो जो एक थीम है ये वाला ये हमें काफ़ी जगहों पे दिखता है जैसे कि जो शैलोट है शेवल जो है जो क्रॉस आता है वो ये कहता है कि शलोट जो है ना उसे डिफीट कर रहा है मतलब कि बैटरे कर रहा है थ्रेसा को तो और उसके अलावा जो है और भी बहुत सारी जगहों पे हमें ये थीम दिखता है तो अब जो ट्रस्ट है वो आफ्टर द वार ह्यूमन बींग से हट जाता है और पेपर पे चला जाता है जैसे कि शेवल जो है वो अपने मुंह से जब बताता है कि उसका नाम शेलोट है चार सालों के बाद वैकेंसी uh, किसी जॉब को एडॉप्ट करने के लिए तो कोई इस पर यकीन नहीं करता जब वो एक पीस ऑफ पेपर दिखाता है जिस पर लिखा होता है शेलोट जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से तो जर्मन ऑफिशल्स की तरफ से तो उस पर फिर यकीन करते हैं कि वो वाकई में शेलोट है तो यहाँ पर uh, हमारी वीडियो एंड हो जाती है और Uh, हम मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा शेयर और लाइक कर दीजिएगा थैंक यू